नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BHU एग्रीकल्चर में। सो ICAR, BHU, PAT और अदर कॉम्पिटिटिव एग्रीकल्चर एग्जाम्स के लिए आप टेलीग्राम में भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको बताने वाला हूँ MPPAT के बारे में, मध्य प्रदेश प्री एग्रीकल्चर टेस्ट। इस एग्ज़ाम को PEB प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड जो भोपाल में स्थित है उसके द्वारा कराया जाता है। सो इसका नोटिफिकेशन आ चुका है, आप देख सकते हैं। एप्लीकेशन जो स्टार्टिंग डेट है 15 जून और लास्ट डेट इसका है 29 जून। और इसमें अगर आप कुछ चेंजेस करना चाहते हैं एप्लीकेशन फॉर्म में तो 4 जुलाई तक कर सकते हैं। उसके बाद इसमें इसका एग्ज़ाम जो एग्ज़ाम डेट दिया गया है 8 और 9 अगस्त 2020 में शनिवार और रविवार पड़ेगा। एप्लीकेशन फ़ीस के लिए SC ST जो है उनके लिए और OBC उनके लिए 250 रुपये है, और जो अनरिजर्व या जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 500 रुपये एप्लीकेशन फ़ी है। हालांकि इसमें एक चीज़ और दिया गया है कि जो डोमिसाइल आपका MP का होना चाहिए अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं या फिर OBC से बिलोंग करते हैं। और जब आप कियोस्क में जाएंगे अपने जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने तो वहाँ पे उनको इसके अलावा 500 या 250 के अलावा आपको 60 रुपये और देने पड़ेंगे अगर आप रजिस्टर्ड यूज़र नहीं है पहले से, अगर आपने PEB में कोई भी एग्ज़ाम उसके थ्रू नहीं दिया है तो। और अगर दिया है तो उसको फिर 20 रुपये उसका लगेगा। और एग्जामिनेशन क्या है इसका, तो एग्जामिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया 8 और 9 अगस्त को ये एग्जामिनेशन होगा, दो चरण में होगा। जैसे एक दिन 8 तारीख को दो चरण में, एक सुबह होगा और एक दोपहर में होगा। सुबह 7 से 8 ये आपका रिपोर्टिंग समय होगा, एग्जामिनेशन समय नहीं है ये, रिपोर्टिंग समय। और दूसरा है 12 से 1 रिपोर्टिंग समय, इस टाइम पर आपको पहुँच जाना वहाँ पर। फिर उसके बाद आपको अंदर भेज दिया जाएगा एग्जामिनेशन हॉल में, और उसके फिर 10 मिनट एग्ज़ाम स्टार्ट होने से 10 मिनट पहले आपको रूल्स बताए जाएंगे उसके बारे में, MPPAT के बारे में। और जो मेन टाइमिंग है वो 3 घंटे का है एग्ज़ामिनेशन का, और वह 9 से 12 सुबह के समय और 2 से 5 3 घंटे का समय दोपहर से लेकर के शाम तक ये चलेगा। और इसमें क्या इम्पोर्टेंट है ये चीज़ हम लोग जान लेते हैं। और इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न वगैरह है उसके बारे में, कैसे कौन से कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने मार्क्स का होता है, नेगेटिव मार्किंग होता है या नहीं, वो सब के बारे में अलग से एक वीडियो बना दूंगा। सो इम्पोर्टेंट चीज़ जान लीजिए, अभ्यर्थी का आधार पंजीयन अनिवार्य है। आपका आधार कार्ड पूरा वैलिड होना चाहिए, और उसके अलावा आधार कार्ड के साथ में आपके पास एक दूसरा ID भी होना चाहिए। उसके अलावा जैसे आप रख सकते हैं मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, कोई भी हो सकता है। और जो बोर्ड में आपने वो जो फ़ोटो वगैरह दिया है वैसा ही फ़ोटो हो तो ज़्यादा सही रहेगा, और वैसा वो सब चीज़ें जो वहाँ पे दिया गया था पहचान पत्र के लिए वही सब होना चाहिए आपके पास। और अगर आपका ये जो आधार कार्ड है अगर इंटरनेट से डाउनलोड किए गया है तो उसमें फिर वो UIDAI से वेरीफाइड होना चाहिए, तभी आपको अंदर जाने दिया जाएगा एग्जामिनेशन हॉल में, क्योंकि चेकिंग से हमें वो सब चेक कर किया जाता है। फिर तीसरा है अभ्यर्थी को नियम पुस्तिका में वनिश्चित मूल परिचय पत्र के अतिरिक्त अपना आधार कार्ड, वही चीज़ जो मैं आपको बता रहा था कि एक और ID रहेगी। परीक्षा के प्रवेश के समय, परीक्षा के दौरान बहुस्तरीय बायोमेट्रिक सत्यापन होगा। सो ये जो आपको टाइमिंग दिया गया था 7 से 8 जो समय दिया गया था यहाँ पर आप देख सकते हैं रिपोर्टिंग समय, इसी समय में आपका बायोमेट्रिक किया जाएगा। फिर है परीक्षार्थियों को परीक्षा में रिपोर्टिंग समय तक परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति। तो इस टाइमिंग में रिपोर्टिंग समय में आपको वहां पे पहुंच जाना, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है उस समय, आपका बायोमेट्रिक होगा, फिंगरप्रिंट वगैरह देखा जाएगा। उसके बाद परीक्षा कक्ष में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या मोबाइल फ़ोन, ये सब चीज़ें जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, नकल पर्चा, ये सब नहीं लेके जाना, ये सब पूर्णतः वर्जित है। ऑनलाइन आवेदन पत्र क्रमांक के दौरान भी ही ऑनलाइन परीक्षा हेतु अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकते हैं। सो जो PEB की वेबसाइट है वहाँ पर जाकर आपको ये, फिर एक साथ में एक और चीज़ लेके जाना है, वो है एडमिट कार्ड। तो वो डाउनलोड करने के लिए आप PEB में जाएंगे, जो इसकी वेबसाइट है वहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। और उसके लिए इम्पोर्टेंट होगा आपका एप्लीकेशन नंबर, जो आप एप्लीकेशन अभी फिल करेंगे वहाँ पे उसका एक नंबर होगा, वो इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, बाद में भी आपको काम देगा, उसको आपको याद रखना है, कहीं पर आप उसको संभाल कर रखें। फिर है परीक्षा केंद्र पर आवेदन को काला बॉल पॉइंट, सो ब्लैक बॉल पॉइंट से ही आपको ये एग्जामिनेशन में जाना है उस पेन के साथ में, हालांकि ऑनलाइन एग्जामिनेशन है। किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा समाप्ति तक परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं। सो 3 घंटे का पेपर है तो आपको, क्योंकि आप वहीं पर ऑनलाइन अगर एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो फिर आपका जो आंसर है वहीं पे आपका आ जाएगा, आप क्लिक कर देंगे, सबमिट कर देंगे, बट आपको 3 घंटे तक वहाँ पर रहना होगा
जब तक पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता है। सो ये है पूरा 2020 का जो नोटिफिकेशन आया है एमपीपीएटी का, और ये पीईबी के द्वारा दिया जाता है, ये आप देख सकते हैं।